नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे कैसे आप बिना डेबिट, बिना क्रेडिट कार्ड या बिना ATM के भी आप UPI का इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बिना ATM या बिना डेबिट क्रेडिट कार्ड के UPI चलाने के लिए आपको अपने नज़दीकी एयरटेल पेमेंट्स बैंक या एयरटेल स्टोर पर जाना होगा। आप एयरटेल स्टोर पर जाएंगे, बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के आप सिर्फ अपना आधार नंबर उनको बता दीजिए, मौखिक रूप से ही बोल दीजिए उनसे, आपको अगर याद है या आप उनको दिखा दीजिए अपना आधार नंबर। उनकी जो बायोमेट्रिक मशीन होगी उस पर आप अपना फिंगर दे दीजिए, फिंगर मैच होने के बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। जस्ट 2 मिनट में आपका अकाउंट ओपन हो गया। उसके बाद आप चाहें तो पैसा वहीं जमा कर सकते हैं अपने खाते में, एयरटेल आउटलेट पर या एयरटेल पेमेंट्स बैंक में। उसके बाद मित्रों आपका खाता खुल गया। आप उसके 2 मिनट बाद कोई एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, गूगल पे, फ़ोन पे, भीम, पेटीएम, इस पर जाकर आप अपनी एक UPI ID जनरेट कर लीजिए। UPI ID जनरेट करने के लिए मान लीजिए आपने कोई भी ऐप डाउनलोड किया और न्यू यूजर पर गए तो वहाँ पर आपसे कहेगा बैंक सेलेक्ट करिए। तो जैसे ही आप बैंक सेलेक्ट करेंगे, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, तो वहाँ पर आपसे अकाउंट नंबर मांगा जाएगा। जबकि अगर कोई अन्य बैंक चुनेंगे आप एयरटेल पेमेंट्स बैंक के अलावा, तो आपसे डेबिट या क्रेडिट कार्ड के लास्ट 6 अंक मांगे जाएंगे और आपसे डेबिट या क्रेडिट कार्ड का गुप्त कोड मांगा जाएगा। लेकिन एयरटेल पेमेंट्स बैंक में जैसे ही आप चूज़ करेंगे उसे, आपसे सीधे कहा जाएगा आप अकाउंट नंबर दर्ज कीजिए। आपका मोबाइल नंबर ही आपका अकाउंट नंबर होता है, आप अपना अकाउंट नंबर दर्ज कर दीजिए। उसमें आपके रजिस्टर नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP डाल दीजिए आप उसमें। जैसे OTP डालेंगे आप, आपके सामने नया पेज खुलेगा, उस पर लिख कर आएगा प्लीज़ सेट योर UPI पिन। अब 4 अंकों का कोई अच्छा सा पिन जनरेट कर लीजिए और वो एंटर कर दीजिए। उसके बाद आपसे कहेगा प्लीज़ कन्फर्म, एक बार और आप डाल दीजिए वही। आपके सामने आप स्क्रीन पर मैसेज आएगा योर UPI पिन जनरेटेड सक्सेसफुली, आप बाहर आ सकते हैं। उसके बाद आपकी UPI ID शो होने लगेगी। अब आप चाहे तो किसी मित्र से आप अपने खाते में पैसे मंगवा सकते हैं, आपकी UPI ID भी हो जाएगी और आपका जो ये मोबाइल नंबर है, जो एयरटेल पेमेंट्स बैंक का खाता नंबर है जिससे आपने ये खाता खुलवाया है, उस खाते में भी आप पैसा मंगवा सकते हैं। चाहे आप नेफ्ट के माध्यम से मंगवा लें या UPI के माध्यम से मंगवा लें, या आपको कोई बिल पे करना हो, आपको रिचार्ज करना हो, आपको शॉपिंग करनी हो, आप UPI का उपयोग कर सकते हैं। तो मित्रों आप लोग समझ गए होंगे कैसे आप बिना ATM या बिना डेबिट क्रेडिट कार्ड के भी UPI का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।